10 देश जिनके ऊपर कब्जा करना नामुमकिन है। लड़ाई किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना जरूरी होता है। और इसी वजह से ही आज हम आपको पूरी दुनिया के 10 स्ट्रांगेस्ट आर्मी या फिर ऐसे देश बताएंगे जिनके ऊपर कब्जा करने के बारे में कोई दूसरा देश भूलकर भी नहीं सोच सकता। नंबर 10, सऊदी अरब। यह देश तो वैसे ही पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग और सबसे खतरनाक कानून की वजह से काफी ज्यादा जाना जाता है और यहाँ पर लोकल लोगों से ज्यादा दूसरे देश के लोग रहते हैं और कमाते हैं। सऊदी अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है और ये पूरी दुनिया का भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। एरिया में ये 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जिसमें 3,57,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इस देश में लगभग 70% से ज्यादा लोग दूसरे देश के हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी आबादी आईटी फील्ड में काम करती है। वैसे इस देश में और भी कई बड़ी इंडस्ट्री है, पर सऊदी की ऑयल फील्ड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सेंटर है। आज के समय में ऑयल की वजह से सऊदी की इकोनॉमी भी चलती है और सऊदी अरब की टोटल GDP $1.5 trillion की है, जिसके कारण ये दुनिया में 18वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कहलाता है, जो कि अपनी टोटल GDP का 7.98% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। इसका मतलब सऊदी अपनी मिलिट्री पर खर्च करने में दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। हालांकि सऊदी में मात्र 227,000 सक्रिय सेना है, इसके बावजूद ये दुनिया का 10वां सबसे पावरफुल कंट्री है। नंबर 9, तुर्की। ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, साथ ही तुर्की खूबसूरत देशों में से एक भी माना जाता है। तुर्की पूरे विश्व भर का एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और कुछ एशिया में आता है, जिस वजह से इस देश को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी लगभग 8,55,00,000 लोगों से भी ज्यादा है। इस देश की GDP $853 बिलियन की है और ये देश अपनी मिलिट्री पर अपनी टोटल GDP का काफी बड़ा हिस्सा खर्च करता है। वैसे तो तुर्की सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है और नाटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना आती है। ये नाटो में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या में और तादाद में बड़ा है, जिस वजह से ये दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। नंबर 9, जर्मनी। 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है, यानी 8,42,00,000 से भी ज्यादा लोग जर्मनी में रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तो और जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और दुनिया में इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से विश्व भर में जर्मनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की सड़कों पर नो स्पीड लिमिट रहता है, मतलब आप जितना ज्यादा हाई स्पीड में गाड़ी चलाना चाहते हैं उतना ज्यादा चला सकते हैं। वैसे जर्मनी की मिलिट्री पावर की बात करें तो जर्मनी की मिलिट्री यूरोपीय देशों में दूसरे नंबर पर आती है, मतलब जर्मनी के पास 1,83,707 सक्रिय सेना और 30,050 रिजर्व सैनिक है। जर्मनी की सरकार अपनी मिलिट्री पर अपनी टोटल GDP का 4% खर्च करती है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन के सबसे पुराने निशान मौजूद हैं। आज भी यानी मिलियन वर्ष पहले के निशान आज भी फ्रांस में मौजूद हैं। इस देश की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के राइटर्स द्वारा ही जीता जाता है। फ्रांस बड़ा देश है जो कि 6,13,801 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस देश में 6,74,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली सेना है, क्योंकि फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सैनिक है, जिसमें से 35,000 सैनिक रिजर्व पर है। और तो और फ्रांस की GDP की बात करें तो फ्रांस की GDP $3.06 trillion की है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आती है और फ्रांस अपनी GDP का 2.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। वैसे फ्रांस में मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल जैसे व्यापार इस देश की इकोनॉमी मानी जाती है और फ्रांस के पास 280 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। नंबर 6, साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा देश है, लेकिन ये काफी विकसित देश है। साथ ही साथ साउथ कोरिया का नाम एशिया के सबसे अमीर देशों में भी आता है, जो कि लगभग 1,363 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और साउथ कोरिया के इतनी छोटी सी एरिया में 5.17 करोड़ लोग से भी ज्यादा रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 92% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना डेवलप होगा। हालांकि इस देश का पावरफुल बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह देश जापान और चाइना के बीच में बसा हुआ है। लेकिन साउथ कोरिया की खास बात यह है कि इसके पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वहीं अगर साउथ कोरिया की GDP की बात करें तो साउथ कोरिया की GDP $1.80 trillion की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है और यह देश अपनी GDP का 2.8% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। तभी तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री यानी 140 देशों में 6ठे नंबर पर आता है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सैनिक और 2,75,000 रिजर्व सैनिक है। इसकी एक और खास बात यह है कि साउथ कोरिया अपने देश के लोगों की एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। नंबर 5, जापान। वैसे 12,57,00,000 लोगों की आबादी वाले देश में सेना का बहुत ज्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम जापान की GDP की बात करें तो जापान की GDP $5.04 trillion की है और ये अपनी टोटल GDP का 1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। दोस्तों, जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी, तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। वैसे तो जापान की सेना कई सारी कंट्री के मिलिट्री से काफी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। यानी जापान के पास 2,47,000 पर्सनल और 56,000 वीजा पर्सनल है, जिससे ये पता चलता है कि ये सारी कंट्री के कम आर्मी वाली कंट्री है, फिर भी जापान पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर 4, इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। भारत के पास 14,55,000 पर्सनल है, वहीं इस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा पर्सनल है। इंडिया में 11,55,000
वीजा पर्सनल है और पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी जीडीपी का यानी $3.5 trillion में से 2.88% आर्मी में खर्च करता है। नंबर 3 चाइना। अभी ये अमेरिका का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा है और चीन अभी अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया है। चीन की जीडीपी देखी जाए तो वो $18 trillion की है और इसमें से ये 1.3% जितने रुपए अपनी आर्मी में डालता है, जिस वजह से इसकी आर्मी सबसे स्ट्रांग आर्मी में से एक है और कोई भी देश इनसे लड़ने से पहले हजार बार सोचता है। और देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना का सबसे ज्यादा खौफ है। नंबर 2 रशिया। रशिया देश की जीडीपी फिलहाल $2.11 trillion की है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से इसकी जीडीपी को काफी ज्यादा नुकसान पड़ा है, क्योंकि उनके ऊपर काफी अलग अलग सेक्शंस लगाए गए, लेकिन फिर भी इनकी जीडीपी अभी भी इतनी मजबूत है। और लड़ाई से आपको पता तो चल ही गया होगा कि रशिया आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। उसने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा पा लिया है और इतने सारे सेक्शंस लगाने के बाद भी रशिया का उतना फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में देखा जाए तो जाहिर सी बात है लड़ाई से नुकसान होता ही है, लेकिन फिर भी रशिया ने काफी अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है और शायद ही अगली बार कोई रशिया से लड़ने की कोशिश करेगा। नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका की जीडीपी 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और उसमें से भी ये 3.3% जितना जीडीपी बस अपनी आर्मी पर खर्च करता है और इसलिए अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यूएस को रशिया की आर्मी की टक्कर दे सकती है और अभी तो चाइना भी इसका कॉम्पिटिशन बन चुका है, इसलिए अभी इस सारे देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव है। इस लिस्ट में जितने भी देश शामिल किए गए हैं, भले ही उनकी आर्मी शक्तिशाली है लेकिन उनके बीच कॉम्पिटिशन नहीं है। पर इंडिया, रशिया, चीन और अमेरिका ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के दोस्त या दुश्मन बने हुए हैं।